व्हाट्सअप गाइस, अपने पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था किस तरह हम लोग पाई गेम में वाइल लूप बना सकते हैं और अपना गेम लूप बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा हम लोग जो है इवेंट्स को किस तरह हैंडल करेंगे। तो गाइस सबसे पहले समझ लेते हैं इवेंट क्या होता है। तो मैं एग्जांपल लूंगा अपने इस फ्लैपी बर्ड के गेम का। तो गाइस अगर मैं यहाँ पर इस गेम को स्टार्ट करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये मैं एक की दबाऊंगा, मैं अपर एरो की दबाऊंगा, ऊपर वाली जो एरो की होती है अप एरो की, उसको प्रेस करूंगा। अब देखिए जैसे ही मैं उसको प्रेस करता जाऊंगा ये उसको हैंडल कर रहा है, वो एक इवेंट है, उसको हैंडल करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। एक और चीज़ ये हैंडल क्या कर रहा है, ये टाइम को हैंडल कर रहा है कि टाइम किस तरह आगे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है टाइम आगे, वो ये सब इंटरनली कर रहा है। लेकिन ये जो है मेरी की ये मैं हैंडल कर रहा हूँ अपने गेम में। तो आप लोग देखिए मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ, अब दवाई तो रिस्पॉन्ड किया इसने, मैंने दवाई तो रिस्पॉन्ड किया। उसी के साथ साथ ये मेरी एक्स और वाई पोजीशन को जो है उसको भी सेव कर रहा है। और ये देखिएगा जैसे ही पाइप की पोजीशन से मैं टकराता हूँ, जैसे ये कोलैप्स करता है पाइप के अंदर, वैसे ही क्या करेगा, गेम लूप को एग्जिट कर देगा। उसके बाद मुझे डिसाइड करना पड़ेगा क्या करना है। तो ये गेम के डिज़ाइन पर बाय द वे डिपेंड करता है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वापस से अपने पाई गेम में आ जाऊँगा और यहाँ पर अपने जो प्रोग्राम है उसमें आ जाऊँगा, एक नई फाइल बनाऊँगा tut6.py। तो मैं यहाँ पर tut6.py नाम की एक फाइल बना देता हूँ और tut6.py में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस पूरे कोड को कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। अब मैंने जो पिछली बार लूप बना के आप लोगों को दिखाया था उसमें क्या हो रहा था कि जैसे मैं रन कर रहा था तो रुक तो जा रहा था गेम मेरा, लेकिन क्या हो रहा था कि उसके बाद ये हैंग कर जा रहा था, प्रॉब्लम आ जा रही थी मुझे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, नॉट रिस्पॉन्डिंग हो जा रहा है देखो ये, तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, अपने इवेंट्स को हैंडल करूँगा। अब मैं इवेंट्स को किस तरह हैंडल करूँगा वो मैं आप लोग को बताता हूँ। पहले मैं इस प्रोग्राम को क्लोज कर देता हूँ और इससे पहले कोई और प्रॉब्लम हो जाए, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा फॉर इवेंट इन लिखूँगा पाई गेम डॉट इवेंट डॉट गेट, इवेंट डॉट गेट, ठीक है। आप लोग बोले गया पाई गेम डॉट इवेंट डॉट गेट क्या है, इसको इन बना देता हूँ, इन लिख दिया मैंने। पाई गेम डॉट इवेंट डॉट गेट में क्या होता है, सारे के सारे वो इवेंट्स होते हैं जो कि आप कर रहे हैं, कोई भी इवेंट आप कर रहे हैं तो वो होता है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर प्रिंट करके उस इवेंट को, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ प्रिंट इवेंट और इसके बाद जो है मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको रन करूँ, तब आप लोग देखना यहाँ पर क्या होगा, जो जो मोशन मैं कर रहा हूँ देखिए यहाँ पर लिख कर आ रहा है, कह रहा है फोर माउस मोशन। अब मान लो मैं की प्रेस करता हूँ, यू प्रेस करता हूँ मैं कीबोर्ड पे, मैंने यू प्रेस करी, देखो इसने लिखा की 117। इसके बाद मान लो मैं आर प्रेस करता हूँ तो ये कह रहा है की 114 और ये यूनिकोड भी बता रहा है उसका, कह रहा है यूनिकोड आर, मैंने यू प्रेस किया तो यूनिकोड यू बता रहा है, क्यू दबाया, डब्ल्यू दबाया, ई आर टी वाई यू आई ओ पी, तो ये सारे के, अब मैं माउस हिलाऊंगा अपना तो ये चलता रह जाएगा ऐसे, देखो मैं माउस हिला रहा हूँ तो उस इवेंट को भी ये जो है हैंडल कर रहा है और अब मेरा जो प्रोग्राम है वो हैंग भी नहीं कर रहा है। तो मुझे क्या करना है, कुछ ऐसा करना है कि मैं अपने इवेंट्स को हैंडल कर पाऊँ और इन इवेंट्स को हैंडल करते करते मुझे जो है इसको, इस प्रोग्राम को एज अ गेम बनाना है। तो मैं भी इसको बंद कर देता हूँ, मैं जैसे इसको बंद करूँगा ये देखो मैं इसको बंद कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है और ये क्या कह रहा है 12 क्विट, जैसे ही मैं इसको बंद कर रहा हूँ ये कह रहा है आपने क्विट कर दिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इवेंट को हैंडल करना पड़ेगा और जैसे ही क्विट हो जाता है गेम वैसे मैं कहूँगा कि यार गेम क्विट हो गया, क्विट जो है वो यूज़र करना चाहता है इस गेम को तो उसको गेम लूप के बाहर ले आओ, ये मुझे यहाँ बताना पड़ेगा इस फॉर लूप के अंदर। कोई भी काम होता है, कोई भी की दबा रहा हूँ मैं, कोई भी माउस हिला रहा हूँ, माउस का क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मैं इसको जो है अपने लूप के अंदर, इस गेम लूप के अंदर, इस फॉर इवेंट इन पाई गेम डॉट इवेंट डॉट गेट के अंदर हैंडल करूँगा और मैं बताऊंगा कि अगर ऐसा हो तो क्या करो और अगर कुछ और हो तो क्या करो, ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर बताऊंगा। तो ये होता है हमारा गेम लूप। हमने अपने प्रोग्राम में अभी तक क्या क्या किया एक बार आप लोग को रिकैप करा देता हूँ। मैं हमने सबसे पहले पाई गेम इंस्टॉल किया था पिप इंस्टॉल पाई गेम से, मैं एकदम शुरू से एक बार रिकैप करा देता हूँ। हमने अपनी पावर शेल में पिप इंस्टॉल पाई गेम लिखकर पाई गेम को इंस्टॉल किया था, हमारा पाई गेम इंस्टॉल हो गया था। फिर हमने इंपोर्ट पाई गेम और पाई गेम डॉट इनिट किया था, उसको रन करके देखा था, वो सक्सेसफुली रन हो गया था, इसलिए हमने कहा था कि हमारा पाई गेम सही से इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद हम लोगों ने एक विंडो बनाई, विंडो बनाने के बाद हमने लिखा पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट मोड, 1200x500 की विंडो बनाई। उसके बाद एक हमने कैप्शन डाला माई फर्स्ट गेम, अगर मैं यहाँ पर माई फर्स्ट गेम को चेंज करके माई फर्स्ट गेम ब्लैंक लिख दूँ तो क्या होगा कि माई फर्स्ट गेम ब्लैंक दिखेगा मुझे, मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो माई फर्स्ट गेम ब्लैंक दिख रहा है यहाँ पर और इसको बंद मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ इसलिए मुझे यहाँ से इसको क्विट करना पड़ेगा और मैं अभी आने वाले वीडियोज़ में इसको ठीक कर दूंगा। अब देखो गेम स्पेसिफिक वेरिएबल हमने बनाया यहाँ पर, गेम स्पेसिफिक वेरिएबल क्या हो सकते हैं,
एग्जिट गेम मैंने फॉल्स किया, गेम ओवर यहाँ पर आ गया, हमारा FPS हो सकता है गेम स्पेसिफिक वेरिएबल्स, गेम के अंदर जो कलर्स यूज़ कर रहे हैं वो हो सकते हैं गेम स्पेसिफिक वेरिएबल्स, और कोई और चीज़ है जैसे मान लो कि अगर हम बोनस वगैरह देना चाहते हैं प्लेयर को तो वो हम बोल सकते हैं ट्रू या फॉल्स। किसी भी तरह का इवेंट हैंडल आप कर रहे हो तो आप लोग क्या करोगे, गेम स्पेसिफिक वेरिएबल बनाओगे, उसके करस्पॉन्डिंग अगर आप लोग चाहो तो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर हर इवेंट के लिए गेम स्पेसिफिक वेरिएबल बनेगा, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, जैसे जो बड़े बड़े इवेंट है जैसे एक्सिट गेम, उसका एक आप वेरिएबल बना लो ताकि आप वाइल लूप यहाँ पर चला सको इस तरह, और जैसे ही आप लोग जो है इस गेम से एग्जिट कर जाओ आप वाइल लूप के बाहर आ जाओ। अगर आप लोग को अभी बाय एनी चांस समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग को ऐसा लग रहा है कि भाई चल क्या रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोगों से एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सिर्फ जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ करते जाओ। ये कोड मैं अपनी वेबसाइट कोड विद हैरी में डाल दूंगा, उसका लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा, codewithhari.com का लिंक जहाँ पर ये सोर्स कोड मैं डालने वाला हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है, आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोग को। तो यार यहाँ पर जो है मैं इसको आप लोगों को कोड को दे दूंगा, अगर आप लोग कोई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दो। आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को और चीज़ें बताऊंगा, मैं आगे बढ़ता हूं, मैं बाय द वे रिकैप करा रहा था। तो मैंने उसके बाद क्या किया, गेम लूप बनाया, मैंने बोला जब तक गेम एग्जिट ना करे चलाते रहे इस लूप को, और इस लूप के अंदर इवेंट को हैंडल कर, सारे इवेंट्स को जैसे जैसे इवेंट होते जा रहे हैं वो हैंडल कर, तो ये लूप चलता जाएगा और जैसे जैसे इवेंट होते जाएंगे अपडेट होते जाएंगे, अपडेट होते जाएंगे, अपडेट 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 अपडेट, और ये चलता रहेगा, गोल गोल घूमता रहेगा, और जैसे ही एग्जिट गेम ट्रू हो जाता है वैसे ही इस लूप के बाहर सीधे यहाँ पर आएगा, और क्या करेगा ये पाई गेम डॉट क्विट करेगा और क्विट कर देगा गेम को। तो पाई गेम क्विट होगा पहले फिर प्रोग्राम क्विट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आशा करता हूँ कि यार आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो यार कमेंट करके बताओ क्या आप लोग का सोचना है, और हम लोग पहला गेम कौन सा बनाए ये भी मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर मान लो ये सीरीज़ मैंने बना दी और ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो तब भी आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट है अगर किसी गेम को बनाने की पाई गेम की मदद से, मैं इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा अगर आप लोगों ने कमेंट किया। और अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं किसी दूसरे कमेंट को, किसी दूसरे ने मान लो स्नेक्स लिखा और आप लोग चाहते हैं उसको सपोर्ट करना, तो आप रिप्लाई करना स्टार्ट कर दो उसका, उस बंदे का कि यस स्नेक्स GTA 5 मत लिखो यार, और मैक्स पेन वगैरह मत लिखो, ये गेम्स जो हैं मैं ही नहीं कह रहा हूँ पाई गेम में नहीं बनेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें एक बेसिक गेम बनाना पड़ेगा, जैसे फ्लैपी बर्ड या फिर स्नेक्स या फिर कोई छोटा मोटा स्ट्रीट फाइटिंग का गेम या फिर कार रेसिंग का गेम, उस तरह के गेम्स हम बनाएंगे और धीरे धीरे ट्रांजिशन करेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो यार अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग कोई वीडियो मिस ना करें। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आप लोगों ने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया पाई गेम की, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के अंदर जाकर पाई गेम की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। और मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया अभी तक इस वीडियो को, तो आप लोग इस सीरीज़ को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बुलाइए यहाँ पर, ताकि आपके दोस्त भी यहाँ पर आ सकें और पाई गेम के ट्यूटोरियल्स देख सकें। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। We'll be right back.